दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को दिखाया है इंडिया गेट, ताज होटल और जो हाजियों को रहने की जगह है वो सब बिल्डिंग है, और पीछे समुंदर का कुछ नज़ारा है जो आप लोगों को दिखाया है इस वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और देख के कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर चैनल का आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है ताज होटल, बैक करते हैं अभी, ज़्यादा जूम ठीक नहीं है, ऐसा ही ठीक लग रहा है। तो ये है ताज होटल और इधर दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गेटवे, मुंबई में गेटवे में। ये देखिए वहाँ पे गेटवे, अंदर चलते हैं गेटवे के, देखते हैं क्या नज़ारा है। फर्स्ट बार तो आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अंदर से यहाँ चलना पड़ता है, लेक के अंदर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है इंडिया गेट मुंबई का, तो इंडिया गेट है, गेटवे इसी का नाम है। फाइनली हम लोग पहली बार आ चुके हैं गेटवे में घूमने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम और कैब सरपंच और सरपंच तो आए हैं आप इंडिया गेट घूमने के लिए, गेटवे इंडिया घूमने के लिए। देखिए हमारे पीछे इंडिया गेट और इधर पीछे ताज होटल है। तो आप लोगों को पूरा देख आए हैं इंडिया गेट, जो मतलब मुंबई का गेटवे है। देखिए पीछे, मेरे पीछे जो है ये गेटवे है मुंबई का, और ये जो सबसे मशहूर होटल है तो ताज होटल। देखिए ताज होटल पीछे दिख रहा है, धूप की वजह से झिलमिलाहट है। अभी बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ गेटवे में, और ताज होटल का जो सबसे बड़ी शान है मुंबई की। और ये हमारे मुंबई का जो गेटवे है, यहाँ का भी आप लोगों को बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखाते हैं। ये है बैक कैमरे से कुछ साफ नज़र आ रहा है, जो गेटवे है मुंबई का गेट, इंडिया गेट जो कहा जाता है। और ये सुन में आया है जो भारत का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा होटल है ताज होटल। ये देखिए आप लोगों को पूरा दिखाते हैं। शिवाजी महाराज छिपे हुए हैं फोटो पे, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। और बगल में जो सामने ताज होटल है, और यहाँ पे शायद देख सकते हैं समुंदर में कितनी नाव है, नाव में बैठ के घूमने के लिए भी है। तो वहाँ आगे चल के देखते हैं घूमने के लिए क्या है। देख रहे हैं इतने सारी नाव पानी में चली, तो भी किनारे नहीं बीच में खड़े। यहाँ पे आएंगे तो तमाम लोग कैमरा लेके देखिए खड़े रहेंगे आप लोगों को फ़ोटो खींचने के लिए। हम लोग मिलते रहेंगे यहाँ पे, फ़ोटो खिंचाओ बोलेंगे। आप लोगों की मर्ज़ी हो तो खिंचा सकते हैं।
आप लोगों को गेटों के पीछे लेके चलते हैं, पीछे में क्या दिख रहा है, कैसा नज़ारा है, पीछे में कैसा दिखता है गेट वे पे। समुंदर, ये समुंदर है पीछे। सभी लोग अपनी सेल्फी और वीडियो बनाने में बिजी हैं, जैसा कि हम भी बना रहे हैं वीडियो। ये यहाँ से देखिए भर के नाव में लेके जाते हैं समुंदर का सैर कराने के लिए। तो ये कुछ पीछे का नज़ारा है गेटवे का, देख सकते हैं आप लोग, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। आगे का लुक वो देख ही चुके हैं, पीछे का लुक कुछ ऐसा है। इसके जस्ट पीछे समुंदर है, जस्ट बगल में पीछे बैठे हैं गेटवे, गेटवे के पीछे काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ वहीं में बैठे हैं लगभग आधा पौना घंटा से हम लोग, अभी चलते हैं। कैब दोनों लोग आए थे घूमने के लिए गेटवे पे, सिर्फ हम दोनों कोई आए नहीं, दोनों साथ में आए थे घूमने के लिए अकेले। तो अभी इंडिया गेट और ताज होटल दोनों देख लिए, साथ ही साथ चलते हैं हम लोग घर की तरफ अपने काम पर, मतलब उल्लासनगर जहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों ये ताज होटल है जो कि भारत का सबसे महंगा भारत में सबसे महंगा होटलों में नाम आता है ताज होटल का। और यहाँ पे है इसके जस्ट सामने इंडिया गेट, इंडिया गेट के सामने ताज होटल। ये हम लोग का आना था यहाँ पे, मतलब पहली बार इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश आती नहीं है, बस लोगों के साथ में रहते रहते उतना आ गया है। पहली बार इंडिया गेट पे आए हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, काफ़ी पब्लिक भी रहती है तो अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने का, टाइम पास करने का बहुत अच्छा जगह है। पब्लिक हमेशा यहाँ पे नया फोटो जाके अपने मोबाइल से भी खींच सकते हैं, लोगों से खिंचवा सकते हैं, कैमरा लेके देखे खड़े हैं, कई जगह पैसे मिल जाएगा। फिर कुछ काम भी यहाँ पर हो रहा है, देखिए कारोबार यहाँ भी चालू है, कुछ अपना बना रहे होंगे। तो वहाँ सामने देखिए बन रहा है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक, आप लोगों से फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग गेटवे इंडिया गेट घूम चुके हैं, जहाँ तक कोशिश किए हैं आप लोगों को पूरा दिखाने की, इंडिया गेट का आगे का पीछे का, ताज होटल भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो अब चलते हैं अब हम लोग उल्लासनगर, क्योंकि वहाँ पर जाते जाते हम लोग को रात हो जाएगा, फिर बहुत दूर से आए डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच के वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, क्योंकि वहाँ से आने में अभी पहली बार आए थे तो इसलिए उतना जानकारी नहीं था। तो पहुँच गए थे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, उसके बाद यहाँ पे आए थे गेटवे पे बस पकड़ के। तो अभी चल रहे हैं हम लोग भी, दो ढाई घंटा लगेगा अपने रूम पे पहुँचते हुए, फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से।